फ्रेंड्स, मैं सरोज आज आपके सामने एक नई तरह की रेसिपी लेकर आई हूं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल बटन है जिसे दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले अपडेट्स आपसे सबसे पहले पहुंच सके। तो मैं आज जो रेसिपी लेके आई हूँ उसका नाम है बेल्जियम चॉकलेट माउस। वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं इस कढ़ाई में फ्रेश क्रीम, अमूल का फ्रेश क्रीम यूज कर रही हूँ, उसे डाल रही हूँ। इसे अच्छे से गर्म कीजिए। देखिए इस तरह से मैं इसमें से सारा क्रीम निकाल चुकी हूँ। अब इसे इस तरह चलाते हुए गर्म कर रही हूँ। देखिए सारा क्रीम निकल चुका है। इस तरह से मिक्स कीजिए। जब ये गर्म होने लगेगा तब इसमें दालचीनी का टुकड़ा डाल दीजिएगा। अब तब जब तक ये गर्म होता है, इसमें से इसको हमें निकाल देते हैं। जब तक ये गर्म होता है तब तक मैं दूसरे बाउल में इस दूसरे क्रीम को निकाल लेती हूँ। इस तरह से इसे फेंटना है, ठीक होने तक इसे फेंटना है और एक ही मूवमेंट में इसे फेंटिएगा। एक ही मूवमेंट में इसको इस तरह से ठीक होने तक फेंटते रहिए। ये अब गर्म हो चुका है, बबल्स आ रहे हैं। गर्म होने के बाद इस तरह का बबल्स उठ रहा है। अब इसमें मैं दालचीनी का टुकड़ा डाल दे रही हूँ। बहुत टेस्टी होता है, बच्चों को खासकर बहुत पसंद आता है, बच्चे बड़े को भी अच्छे लगते हैं। इसे ऐड कीजिएगा, बराबर चलाते हैं। देखिए अब तैयार हो चुका है। मैंने इसे अच्छे से गर्म किया है, इस तरह से कलर भी चेंज हो गया है इसका। अब मैं इसको गैस को ऑफ कर रही हूँ। अब इसमें मैं ये चॉकलेट डालूंगी कट करके। देखिए इस तरह से मैं डाल दी हूँ इसमें टॉफी। बंद है, गैस बंद है। अब मैं इसे कलर ऐड करने के लिए थोड़ा सा डार्क चॉकलेट डाल रही हूँ, एकदम थोड़ा सा, एक बाइट कहिए इसका। ये इतना सा डाली हूँ सिर्फ, ये देखिए ये पोर्शन, एक पोर्शन डाली हूँ इसका। अब इस व्हिप क्रीम को भी मैं इसमें डाल रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो यू डू नॉट मिस द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियो। एंड कमेंट डाउन बिलो। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज ऑन द स्क्रीन। टिल देन बाय।